Assalamu alaikum class 5, how are you all? I hope you all are fine. So class 5, it's your maths class now. Open maths countdown book, page number 15. It's your exercise 1C, page number 15. Last class में हमने exercise 1C का question 4, question 5 and question number 6 अपनी notebook में किया था. आज हम करेंगे इसका question number 11 अपनी notebook में. ओके, 11 का पार्ट ए बी एंड सी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 आपने अपनी बुक में ही करना है. बट आपने करना क्या है कि अपने रफ कॉपी में इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखना है आपने. ठीक है, सो क्लास ओपन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक सब ओपन कर लें. ऑल ऑफ यू नो हाउ टू मेंटेन द पेज, पेज को किस तरह मेंटेन करना है. एक्सरसाइज 1C, पेज नंबर है आपका 15. डेट एंड डे आप मेंशन करेंगे जिस डेट एंड डे को आप ये वीडियो वॉच करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है. राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई. क्वेश्चन के आगे जो मैंने आपको पार्ट्स करवाए हैं वो ज़रूर मैंशन कीजिएगा ताकि जब मैं चेकिंग करूँ तो मुझे पता हो कि मैंने इसके सिर्फ ए बी एंड सी पार्ट ही कराएँ. ओके, आपने ये क्वेश्चन लिखा 291,200 मल्टीप्लाइड बाय 39. इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 39 से. सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर या मेथड टू मल्टीप्लाई डबल डिजिट, आपको अच्छी तरह पता है. यू ऑल नो वेरी वेल कि कोई भी दो डिजिट्स हमारे पास होते हैं तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई वंस प्लेस नंबर. वंस प्लेस का जो नंबर है उसको हम इन सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं. आफ्टर दैट हम टेंथ प्लेस के नंबर को इन सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं. सो लेट स्टार्ट. जब हम 9 का नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 डिजिट को, तो हम इसी नंबर के नीचे से लिखेंगे. ठीक है, 9 0 0 0, 9 0 0 0, 9 2 0 18, 18 का 8 आया, 1 कैरी गया. 9 1 0 9, 9 plus 1 10, 10 का 0, 1 कैरी. 9 9 0 81, 81 plus 1, 82, 82 का 2 आया, 8 कैरी गया. 9 2 0 18, 18 में जब मैं 8 प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 26. ये हो गई आपकी वंस प्लेस के नंबर की मल्टीप्लिकेशन. डन. नाउ इट्स टाइम टू मल्टीप्लाई टेंथ प्लेस नंबर, दैट इज 3. अब जब मैं 3 की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं 3 के नीचे से ही लिखना स्टार्ट करूँगी. ओके, 3 0 0 0, 3 0 0 0 अगेन, 3 2 0 6, 3 1 0 3, 3 9 0 27 का 7 आया, 2 इधर कैरी गया. 3 2 0 6, 7 और 8, ये 8 लिखा. ना ऑल ऑफ यू नो कि जब हम ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि ये वाला जो आपका आंसर आया ये आपका एडिशन का सम बन जाता है. ठीक है, अब आप इनको ऐड करेंगे. इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, दैट मींस इसके नीचे क्या है, 0 है, या आप इस तरह से क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं. 0 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 6 6, 2 प्लस 3 5, 6 प्लस 7 13, 13 का 1 3 आया, 1 कैरी गया. 8 प्लस 2 10 एंड 10 प्लस 1 11. सो हेयर इज़ योर फाइनल आंसर, जो आपका नंबर बन रहा है 11,356,800. तो इसी तरह इसी पैटर्न पे आपने इसके बी और सी पार्ट को भी, बी और सी को भी मल्टीप्लाई करके आंसर करना है. पहले आप नंबर्स को वर्टिकली लिखेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.